अभी तीन राज्यों का चुनाव चल रहे हैं और दो में मतदान खत्म हो चुका है, राजस्थान बचा हुआ है। चुनाव शांतिपूर्ण रहे हैं और इस चुनाव में बहुत कुछ है जिसे कहा जा सकता है कि पहली बार हुआ है। मध्य प्रदेश में मतदान बहुत अच्छा हुआ है, छत्तीसगढ़ में अक्सर जो घटनाएं होती थी वो नहीं हो पाई हैं, और बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव व्यवस्था में कई सारे सुधार भी किए गए हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उनके अनुभव को जानेंगे। रावत साहब, आपका स्वागत है समय न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद। आपका कार्यकाल बड़ा चर्चाओं में रहा और इस बीच आपने बहुत सारे चुनाव सुधार के कार्यक्रम भी किए हैं, बतौर आपके कार्यकाल में आपको क्या लगा, क्या अनुभव हुआ और कितनी चुनौतियाँ रहीं? चुनाव आयोग का कार्यकाल तो चुनौती भरा हमेशा रहता है, क्योंकि चुनाव आयोग की छवि इतनी ऊंची उठी हुई है कि हर बार भारत में ये स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करा देते हैं, सारी पार्टियां उसको मंजूर कर लेती हैं, ब्लडलेस ट्रांसफर ऑफ पावर हर बार हो जाता है, ये पूरा दुनिया देखती है जी। तो ऐसे में तो चुनाव आयोग में आपका जो भी कार्यकाल होगा वो चुनौतियों से भरा होगा जी। मेरे समय में जो चुनौतियाँ थी वो विशेष रूप से थी, एक तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सबसे पहला चुनाव बिहार का था जी, जहाँ बहुत घटनाएं होती थी और वोटिंग भी बड़ी प्रभावित होती थी। लेकिन 2015 के बिहार चुनाव में आपने देखा होगा, एक भी घटना नहीं होने पाई, एक भी हिंसक वारदात नहीं होने पाई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में पोलिंग भी रिकॉर्ड हुई और किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हुई। तो वहाँ से शुरुआत करके जो अभी तक इलेक्शंस डिलीवर हुए हैं, अभी आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा जी, कि इलेक्शंस जो हैं पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुए और 77% तक पोलिंग हुई छत्तीसगढ़ में, तो उससे लगता है कि व्यवस्थाएं अच्छी हुई और पूरी फील्ड मशीनरी ने बड़ी मशक्कत से, मेहनत से काम किया। दो चीज़ें जरूर चिंताजनक रहीं, एक तो पैसे का दुरुपयोग, ये जो है काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि जो सीजर है वो बढ़ रहा है। नहीं, लेकिन नोटबंदी तो लागू इसलिए की गई थी कि काले धन की समाप्ति हो और चुनाव में काला धन नहीं उपयोग हो पाए, उसके बावजूद भी, नोटबंदी के बावजूद भी चुनाव में काला धन उतनी ही मात्रा में उपयोग हुआ क्या? अब उपयोग कितना हुआ ये तो बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि ये तो ब्लैक बॉक्स है, कितना बट गया कितना नहीं बटा, लेकिन जो पकड़ा गया, जो सीज हुआ, उसके बढ़ते हुए ट्रेंड जो है वो बिल्कुल यथावत कायम रहे, उसमें कोई कमी नहीं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना वहाँ उपयोग किया गया हुआ? तो जैसे नोटबंदी के बाद पहले 5 चुनाव हुए राज्यों के, उन राज्यों में हम लोग सोच रहे थे कि इस बार कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उस बार भी पिछले इलेक्शन की तुलना में ज़्यादा सीज हुआ, उसके बाद के जो चुनाव हुए उन सब में भी ज़्यादा चीज हुआ। तो जैसे जैसे आर्थिक, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी कह चुके हैं कि नोटबंदी जो की गई थी वो त्रासदी थी, तो ये माने कि कोई बहुत सफलता नहीं मिल पाई? अब चुनाव के बारे में ज़्यादा कहना, उसको स्पेसिफिकली ऐसा बताना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि सीजर जो है वो किसी बात का इंडिकेटर नहीं है, वो सिर्फ इस बात का इंडिकेटर है कि हमारी मशीनरी एफिशिएंट थी, शिकायत आने पर तुरंत कार्रवाई की, इसलिए पकड़ लिया गया। कितना बटा कितना नहीं बटा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कम बटा हो, नोटबंदी का असर उसमें दिखा हो अंदर, लेकिन वो पकड़ा ना गया हो। एक ही राज्य ऐसा निकला मिजोरम, जहाँ इलेक्शन कमीशन जब गया तब भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि साहब हमारे यहाँ के क्षेत्र के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 लाख की सीलिंग बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाए, 8 लाख किया जाए, और वहाँ किसी भी चुनाव में ना कैश बढ़ता है ना कुछ बढ़ता है। इस बार भी आपने देखा होगा कि कुछ भी सीजर नहीं हुआ, तो मिजोरम एक अलग उदाहरण पेश करता है। बहुत सारे आरोप राजनीतिक पार्टियों के जरिए लग रहे हैं, ईवीएम पर आरोप लग रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि जहां मध्य प्रदेश में आपने चुनाव किया है, मध्य प्रदेश में तो इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि खोरई की घटना देखिए कि वहां पर 48 घंटे बाद ईवीएम हो रही है, इसके साथ साथ हमने सतना की स्थिति देखी, भोपाल में स्थिति देखी कि वहां पर जो सीसीटीवी लगा था वो बंद हो गया। क्या वाकई आपको लगता है कि मशीन के चरित्र में कोई शक है या किसी और के चरित्र में? मशीन बिल्कुल टेम्पर प्रूफ है, मशीन स्टैंड अलोन है, मशीन इलेक्ट्रिसिटी मेंस तक से नहीं जोड़ी जाती, इंटरनेट रेडी नहीं है, वाईफाई रेडी नहीं है, किसी ये बाहरी मशीन से बात नहीं कर सकती, तो इसलिए मशीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो चरित्र किसका खराब है? लेकिन उसको हैंडल करने वाले लोग अगर प्रशिक्षण को गंभीरता से लें, अगर इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस को पूरी गंभीरता से लें और उनका कड़ाई से पालन करें, तो ईवीएम में कभी भी कोई भी गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन जैसे आपने उदाहरण दिया सागर में 48 घंटे बाद रिजर्व ईवीएम वापस जमा होना, या जैसे सेक्टर ऑफिसर ईवीएम के साथ होटल में चले जाना, या कोई खाना खाने के लिए ईवीएम के साथ घर चले जाना, ये सब चीज़ों की पूरी मनाही है कि ईवीएम कहीं प्राइवेट जगह में नहीं जाएगी। ईवीएम को आप पहले जमा करोगे पोलिंग स्टेशन में या ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, तभी आप कहीं बाहर जाओगे ऐसी जगह में, प्राइवेट जगह में, जैसे होटल हुआ, घर हुआ, खाना खाने या कुछ। तो उस सुरक्षा रिजीम को अगर आप पालन पूरी तरह से नहीं करते हैं तो वल्नरेबिलिटी आ जाती है। तो उस समय ईवीएम में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो वहाँ वीडियोग्राफी हो रही जहाँ आपने रखी है, ना वहाँ खुरई की घटना, क्योंकि आपके पास जानकारी तो आई होगी, तमाम प्रशासन के लोगों ने जानकारी उपलब्ध कराई होगी, खुरई की घटना को कैसे देखते हैं? शिकायत हमारे पास कल आई थी जब कांग्रेस डेलीगेशन आया था 1 तारीख को, जिस दिन मेरा आखिरी दिन था, 1 तारीख को आई थी कांग्रेस डेलीगेशन। हमने तुरंत जाँच करके रिपोर्ट उसकी मंगाई थी, लेकिन रिपोर्ट शाम तक आ नहीं पाई थी, इसलिए मैंने उसको देखा नहीं। उसको रिपोर्ट जैसी आई है तो कमीशन उस पर विचार करेगा और उसमें भी उसी तरह से तत्परता से कार्रवाई करेगा जैसा कि हम लोगों ने सुजालपुर के केस में किया, या जो छत्तीसगढ़ में एक हुआ था, एक घर खाना खाने ईवीएम ले गए थे, उसमें किया था, सस्पेंड कर दिया, तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन चालू कर दी, एक्शन काफ़ी तेज़ी से हुआ, उसमें भी होगा। ईवीएम के बारे में भी जैसे दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि नहीं, ईवीएम पर हमें कहीं ना कहीं कुछ शक है और हम चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, तो एक समय जब बैलेट से चुनाव होता था, अब फिर से ईवीएम पर चुनाव हो रहा है, क्या ऐसी कोई संभावना दिखाई देती है कि बैलेट से चुनाव होगा और वो निष्पक्ष होगा? बैलेट से तो चुनाव निष्पक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेट जो है उसमें एक तो बूथ कैप्चरिंग की संभावना हमेशा बनी रहेगी, जी, जी, जिसको कि ईवीएम ने आते ही साथ ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप अगर मसल पावर से बूथ पे कब्जा कर लें और ठका ठक 15 मिनट में सारे वोट डाल के और भर दें उसमें बैलेट बॉक्स में और फिर अगला पोलिंग स्टेशन निशाना बनाएं, तो ऐसे आप दिन भर में 6-7 पोलिंग स्टेशन के 6-7 हज़ार वोट का बारा न्यारा कर सकते हैं, जो ईवीएम में संभव नहीं है, क्योंकि ईवीएम में एक बैलेट को लोड होने में 15 से 20 सेकेंड लगते हैं। तो अगर आपको पूरे वोट डालने हैं ईवीएम में तो आपको 6 घंटे रुकना पड़ेगा उसमें, और एक 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 के बाद एक एक के बाद एक करना पड़ेगा, तब तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप पकड़े जाएंगे। दूसरा, जो हमारे वोटर पे लांछन लगता था कि भारत का वोटर अभी तक आज़ादी के 70 साल के बाद भी वोट डालना नहीं जान पाया, उसके वोट इनवैलिड होते हैं और इतने ज़्यादा इनवैलिड होते हैं कि जो जीत का मार्जिन है उससे भी कई बार ज़्यादा वोट इनवैलिड होते हैं, और उस पर झगड़े होते हैं काउंटिंग के दौरान, कभी इधर तो कभी उधर, तो इस तरह के भी मैनिपुलेशन उसमें हो जाते थे। वो सब चीज़ों से निजात हमने ईवीएम के जरिए ही पाई है, तो ऐसी संभावना तो नहीं है कि बैलेट पेपर पे जाना पड़े, लेकिन ईवीएम में पूरा भरोसा रहे, ईवीएम के जो कमियां दिखती हैं, जिसकी शिकायत सामने आती है, उस पर पूरा बना रहे, इलेक्शन कमीशन इस तरफ पूरा ध्यान दे रहा है, पूरी कोशिश। मध्य प्रदेश में भी एक घटना ऐसी थी अनूपपुर, जहाँ पर दोबारा से मतदान हुआ कि वहाँ पर्चियाँ कम थी और वोट ज़्यादा पड़ गए, तो ये क्या है, ये कौन सा चमत्कार है? नहीं, वहाँ क्या हुआ वो फैक्ट्स आपको पूरे नहीं मालूम है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इसको डील करता है कि बैलेट लोड करने का और वो सब करता है, उसे कहीं जाना पड़ा, या तो शायद पेट खराब होने की वजह से या कुछ और वजह से, तो और उसने पोलिंग ऑफिसर को कहा कि तुम इसका ये करते रहना, तुम ये लोड वाला बटन दबाते रहना, और हुआ उल्टा कि जब जो वोट डला तो उसने लोड करने के बजाय उसने डिलीट वाला दबा दिया तो उससे क्या हुआ कि वो वोट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और उधर अपलोड भी नहीं हुआ, और वोटर भी बेचारे जो आए उनने भी पॉइंट आउट नहीं किया कि इसमें ग्रीन लाइट नहीं जल रही, इसमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उनने भी अपना दबाया बटन, वो भी चले गए। तो इससे कुछ जो वोट हैं वो कम और संख्या लोगों की ज्यादा, मतलब मानव चरित्र के कारण मशीन के चरित्र पर शक हुआ और मशीन बदनाम हुई, मशीन बदनाम हुई। जी, एक बड़ा मुद्दा उठा था लेकिन वो गुब्बारे की तरह उठा और उसके बाद शांत हो गया कि देश में एक साथ चुनाव कराना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया, क्या संभव है फिलहाल? नहीं, देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर संविधान में और कानून में संशोधन नहीं होता तो एक साथ चुनाव कराना कतई संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बाध्यता है कि जब भी किसी हाउस की अवधि खत्म हो रही हो उसके 6 महीने पहले उस हाउस के उनके नए प्रतिनिधि लाने की प्रक्रिया शुरू कर दे और चुनाव कराए। तो जैसे 5 राज्यों के चुनाव आए,
बहुत गपशप चल रही थी मीडिया में भी कि साहब इनको आगे बढ़ा के लोकसभा के साथ किया जाएगा। कमीशन ने कहा बिल्कुल नहीं, और संविधान हमें कहता है कि इनकी सबकी अवधि जो है वो जनवरी के आसपास ख़त्म हो रही है, मिजोरम की 15 दिसंबर को ख़त्म हो रही है, हम चुनाव की प्रक्रिया जुलाई से चालू कर देंगे, और चालू कर दी और डिलीवर हो गए। तो ये बिल्कुल कमीशन करता रहेगा जब तक कि कानूनी फ्रेमवर्क जो है उसमें बदलाव नहीं लाया जाता। मतदान हो गया और रिजल्ट नहीं आया और आप चुनाव आयोग से अलग हो गए, आप रिटायर्ड हो गए, कैसा लगता है कि मैंने चुनाव कराया लेकिन मैं परिणाम नहीं देख पाया? नहीं, मुझे पूरा संतोष है इसका कि बहुत अच्छे चुनाव हो गए हैं और आगे के राजस्थान और तेलंगाना जो दो राज्यों के चुनाव 7 दिसंबर को हैं वो भी अच्छे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि परिणाम की एक्सेप्टेबिलिटी भी सारी पार्टियों में उसी स्तर की बनी रहेगी जैसी अभी तक बनी रही, क्योंकि पूरी निष्पक्षता इसमें बरती गई है और बरती जाएगी। लोकसभा चुनाव चूंकि अभी समय है लेकिन मुझे लगता है चुनाव आयोग ने तो उसकी भी काम शुरू कर दिया होगा, चाहे वो ईवीएम मशीनों को लेकर है, ऑर्डर को लेकर है, तो लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर कैसे देखते हैं चुनाव आयोग की तैयारी को लेकर? उसकी तैयारियां भी चुनाव आयोग ने इस साल के शुरू में फरवरी से ही शुरू कर दी थी और सतत समीक्षा भी की थी, और अभी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कई मामलों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और जो स्पेशल समरी रिवीजन 1119 वाला है वो भी प्रगति पर है और वो भी टाइम से पूरा हो जाएगा। तो सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, सिर्फ उस समय जो करना होता है वो काम करना होगा और लोकसभा चुनाव भी बड़े अच्छी तरह से डिलीवर होंगे। आपने मध्य प्रदेश में बतौर IAS अफसर काम किया, फिर आप दिल्ली आए, दिल्ली के केंद्र सरकार के तमाम विभागों में काम किया, चुनाव आयोग में आपको काम करने का मौका मिला, और देश का जो लोकतंत्र है उसका उत्सव है कहा जाता है चुनाव, उसमें आपने काम किया। अब एक व्यक्तिगत सवाल कि अब आप रिटायर्ड हो गए हैं और देश की राजधानी दिल्ली में है, पोल्यूशन बहुत है कहा जाता है, तो स्वाभाविक तौर पर ये पोल्यूशन तो आप झेलना चाहेंगे नहीं, तो दिल्ली के बाद अब कहाँ जाकर और क्या करेंगे? मैंने अपना घर जो है भोपाल में ही बनाया है जी, तो बस 2-3 हफ्ते में पैकिंग पूरी करके भोपाल ही जाऊँगा, और कोशिश ये करूँगा कि जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि यंग जनरेशन से जुड़े रहना, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से वहाँ कोई भी लेक्चर देने के लिए जाना, तो जैसे मसूरी है, हैदराबाद है, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस है, वहाँ जाना, और दूसरे इंटरव्यूज UPSC में एक्सपर्ट के रूप में, PSC में एक्सपर्ट के रूप में जाना, तो उससे यंग जनरेशन से जुड़े रहने से आपको उनकी चिंताएं पता लगती रहती हैं, उनके बारे में जानकारी होती रहती है। तो राव साहब, आपने हमसे बातचीत की, समय न्यूज़ नेट पर से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे ओबी राव साहब जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं और बहुत जल्द दिल्ली के पॉल्यूशन से दूर अपने प्रिय प्रदेश भोपाल में जाएंगे और वहाँ जाकर रहेंगे, लेकिन युवाओं से सतत जुड़े रहेंगे और समाज की जो तमाम विधाएं हैं, तमाम के समाज के जो कार्य हैं उनसे रिलेटेड भी, उनसे संबंधित भी कामकाज करेंगे। फिलहाल दिल्ली से मैं मनोज मनु।